दुनिया भर के लाखों लोग जीमेल यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल हम पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से करते हैं, लेकिन परेशानी तब खड़ी हो जाती है जब जीमेल का स्टोरेज फुल हो जाता है। तो आपका भी जीमेल अकाउंट अगर फुल हो गया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे आसानी से आप अपना जीमेल अकाउंट का स्टोरेज खाली कर सकते हैं। तो देर किस बात की, पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। हम सभी जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, जहां भर भर के मेल्स आते रहते हैं जिन्हें हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, और इन्हीं बेकार की मेल से हमारा जीमेल का स्टोरेज फुल हो जाता है। वैसे तो गूगल जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज़ के लिए 15 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज उपलब्ध कराता है, फिर भी आपका जीमेल का स्टोरेज फुल हो गया है तो हम आपको बताते हैं कि इसे आप खाली कैसे करेंगे। सच दिग्गज ने हाल ही में जीमेल में स्टोरेज मैनेजमेंट टूल जोड़ा है। हालांकि ये कोई नया फीचर नहीं है, लेकिन गूगल ने यूज़र के लिए सेटिंग सेक्शन को एक्सेस करना आसान बना दिया है। अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। स्पैम या अनवांटेड ईमेल को आप कैसे डिलीट करें, ध्यान से देखिए। अपने PC या मोबाइल डिवाइस पर ब्राउज़र में जाकर जीमेल ओपन करें। अब इनबॉक्स, सोशल, स्पैम फोल्डर या फिर फोल्डर में जाएँ जिससे आपको ईमेल डिलीट करना है। ऊपर की तरफ दिख रही 3 लाइंस पर क्लिक कर दें। इसके बाद उन मैसेजेस को सिलेक्ट करें जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं, फिर डिलीट पर क्लिक कर दें। देखते ही देखते सारे मैसेज डिलीट हो जाएंगे और मेल्स ट्रैश में जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। अब वहां से भी आपको इन्हें डिलीट करना है, बहुत ही आसानी से आपका जीमेल अकाउंट खाली हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है स्पैम और अनवांटेड मेल्स को डिलीट करना। अब आपको बताते हैं कि अनरीड मैसेजेस को कैसे डिलीट करें। तो इसके लिए ब्राउज़र में जीमेल ओपन करें और उसके बाद कैटेगरी टाइम में लेबल अनरीड या लेबल रीड लिखकर एंटर दबा दें। जीमेल सभी अनरीड या रीड मेल्स को आपके डिस्प्ले पर दिखा देगा। इसके बाद सिलेक्ट ऑल बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके साथ ही सिलेक्ट ऑल कन्वर्सेशंस दैट मैच दिस सर्च पर टैप करना होगा आपको। इसके बाद इन तमाम मैसेजेस को, मेल्स को आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे आप अपने स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको गूगल ड्राइव ऐप या गूगल फोटोज़ ऐप में जाना होगा और डॉक्यूमेंट्स या फिर फोटोज़ को मैन्युअली डिलीट करना होगा। इसके साथ ही आप कुछ वीडियोस को भी डिलीट कर सकते हैं। इसे आसानी से आपके जीमेल में जगह बन जाएगी, जो स्टोरेज अब तक फुल हो गया था वो खाली हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।